हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। आज तस्वीर के इस सफर में मैं ले चलूंगी आपको अमृतसर की यात्रा पर, यानी पंजाब के अमृतसर की यात्रा पर। दोस्तों, अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने लगभग 1574 ईस्वी में की थी। शहर की स्थापना से पहले ये जो इलाका था, ये जो क्षेत्र था, ये जंगलों से घिरा हुआ था और इसमें कई तरह की झीलें थी। शहर को शुरू करने के लिए गुरु ने पट्टी और कसूर जैसे आसपास के इलाकों से जुड़े हुए कुछ लोगों को यहां पर आमंत्रित किया। करीब 52 व्यापारियों को यहां पर बसने के लिए उन्होंने बुलाया। इन परिवारों ने शहर में पहली 32 दुकानें शुरू की, जो आज भी 32 हट्टा नाम की सड़क पर मौजूद हैं। गुरु जी स्वयं भी, मतलब कह सकते हैं कि उनके बीच में आकर रहने चले गए, जिसे रामदासपुर कहा जाने लगा और गुरु ग्रंथ साहब में इसका जिक्र भी किया गया है। अमृत सरोवर का निर्माण, जिसे शहर को इसका वर्तमान नाम मिलता है, इसका निर्माण भी गुरु रामदास जी ने करवाया था। उनके उत्तराधिकारी श्री गुरु अर्जुन देव जी ने इस परियोजना को पूरा किया था और इसके बीच में हरमंदिर साहब की स्थापना की। बाद में जब गुरु अर्जुन देव जी ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का लेखन पूरा किया तो गुरु ग्रंथ साहब की एक प्रति को समारोह पूर्वक हरमंदिर साहब में स्थापित भी किया। बाबा बुड्ढा साहब को पहली ग्रंथि नियुक्त किया गया। और भी बहुत कुछ है इस जगह के बारे में जानने के लिए, क्योंकि पंजाब का बहुत ही खूबसूरत शहर इसे कह सकते हैं अमृतसर को। यहाँ पर लोग आए दिन पहुंचते हैं इस जगह को देखने के लिए। खास तौर पर यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, यहाँ तक कि देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं। क्या कुछ है मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन अगर आपको पता हो तो सबसे ज्यादा ये यहाँ के अटारी बॉर्डर और स्वर्ण मंदिर के लिए जाना जाता है, जलियांवाला बाग के लिए जाना जाता है, अकाल तख्त के लिए जाना जाता है। सब कुछ बताऊंगी आपको इस शहर के बारे में। जुड़े रहिए तस्वीर के सफर में। आकाशवाणी दिल्ली का ये गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त रेखा ले चलूंगी इस सफर में गीतों के साथ साथ आपको, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसने चिलमन से मारा हाय, किसने चिलमन से मारा, अरे नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा, नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा। बिखेरे बाल जब वो बिखेरे बाल जब वो आसमानों पर घटा झूमे, चले जब हाय चले जब नाज से जालिम, कयामत भी कदम चूमे, कयामत भी कदम चूमे। चमकत लचकत जाए, चमकत लचकत जाए, फिर न देखा, फिर न देखा, न देखा, न देखा, न देखा, अरे फिर न देखा पलट के दोबारा मुझे, फिर न देखा पलट के दोबारा मुझे, किसने चिलमन से हाय, किसने चिलमन से मारा। सीने में दिल है दिल में दाग, दागों में सोजो साद इश्क, सीने में दिल है अहबा, सीने में दिल है दिल में दाग, दागों में सोजो साद इश्क, पर्दा पपर्दा है बिन्हा, पर्दा नशी का राज इश्क, पर्दा पपर्दा अहबा, पर्दा पपर्दा
वाह वाह पर्दा पबरदा अरे माला पर्दा पबरदा है पिनहा पर्दा नशी का राज इश्क जतन मिलन का तब करूं नाम पता जब हो एक झलक दिखला के कर गई पागल मोय कर गई पागल मोय कर गई पागल मोय कर गई पागल मोय मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल अरे दोस्तों पंजाब में कई ऐसी जगह हैं जहां की खूबसूरती की वजह से पर्यटकों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है ये जगह, लेकिन अमृतसर पंजाब के सबसे गहरे आध्यात्मिक शहरों में से एक है। यहां पर देखने के लिए बहुत कुछ है और इसका एक अपना अलग महत्व है। पंजाब को एक्सप्लोर करने के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग घूमने के लिए यहां पर आते हैं। साथ ही साथ यहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु सिख और सांस्कृतिक पर्यटक भी यहां पर पहुंचते हैं, हर दिन अमृतसर की तीर्थ यात्रा करते हैं। यहाँ का जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है पूरे विश्व में विख्यात है। हालांकि पंजाब इतना बड़ा है कि अगर आप हर जगह को घूमेंगे तो कम से कम आपको एक महीने का वक्त चाहिए, लेकिन अगर आप दो तीन दिन का ट्रिप भी यहाँ पर जाने के लिए प्लान करते हैं तो काफी चीजें आप देख सकते हैं। वैसे तो अमृतसर में कई ऐसी जगह मौजूद हैं जिन जगहों को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए, देख सकते हैं, मगर अमृतसर अपनी वास्तुकला और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, इसलिए आप यहां के मंदिरों को देखने के लिए जरूर जाइए। आप अमृतसर का मशहूर स्वर्ण मंदिर देख सकते हैं और स्वर्ण मंदिर का एक पुराना इतिहास है, करीब 400 साल पुराना इतिहास है। जो दो मंजिला ये इमारत है जिसे आप अगर देखने के लिए जाते हैं तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो सोने से ढका हुआ है और यहां पर जो पूरा जो मंदिर है ये करीब 5 मीटर गहरी झील है यहां पर, और इस मंदिर को घूमने में आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। इसके अलावा आप दुर्गियाना मंदिर जो कि अकाल तख्त है उसे भी देख सकते हैं। दुर्गियाना मंदिर और अकाल तख्त ये दो अलग अलग जगह है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं अगर तो अमृतसर में मौजूद अटारी बॉर्डर को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसे वाघा बॉर्डर भी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अटारी जो गांव है वो हमारी भारत की तरफ है और वाघा दूसरे देश की तरफ है, तो अटारी बॉर्डर को आप देख सकते हैं, इसे अटारी बॉर्डर कहना ज्यादा ठीक होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए इस जगह पर, जैसा कि मैंने आपको बताया स्वर्ण मंदिर, इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास तो है ही, यहां पर हर वक्त फ्री में प्रसाद भी मिलता है जिसे आप चेक सकते हैं। अगर मैं बात करूं जलियांवाला बाग की तो अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता का गवाह है और इस जगह पर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मनाने के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल डायर ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में जलियांवाला बाग का रुख करके आप देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ये जगह अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि देशभक्ति से जुड़ी हुई है, उसका एक खास महत्व है। और क्या क्या है यहां देखने के लिए सब कुछ बताऊंगी आपको, लेकिन गीतों के साथ साथ जुड़े रहिए इस सफर में।
दोस्तों हम सैर कर रहे हैं अमृतसर की। अमृतसर में स्थित गोविंदगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। ईंट और चूने से निर्मित इस किले से जनरल डायर ने 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का रुख किया था। वहीं किले के अंदर एक गुप्त सुरंग भी मौजूद है जो इस किले को लाहौर से जोड़ती है, तो आपको ये किला भी जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा दुर्गियाना टेम्पल की मैं बात कर रही थी। अमृतसर का दुर्गियाना टेम्पल यानी दुर्गियाना मंदिर गोल्डन टेम्पल से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। 1908 में हरसई मल कपूर द्वारा निर्मित ये मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। वहीं दुर्गियाना मंदिर में आप लक्ष्मी नारायण, शीतला माता और हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं, तो आपको यहां पर भी जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा अमृतसर का एक और जगह है रामतीर्थ मंदिर, जिसे कहा जाता है। रामतीर्थ मंदिर भगवान राम और माता सीता से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने जब माता सीता का परित्याग कर दिया था, तब वाल्मीकि जी ने सीता जी को इसी जगह पर अपने आश्रम में आश्रय दिया था और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। इसी आश्रम में उन्होंने लव और कुश को शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी थी। माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भी यहीं पर की थी। यहां वाल्मीकि जी की 8 फीट ऊंची गोल्ड प्लेटेड प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। लोग इस मंदिर में आकर ईंटों के छोटे छोटे घर बनाकर मन्नत मानते हैं और अपना घर बनाने की इच्छा जताते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ घर बनाने से उनका भी अपना घर बन जाएगा। और यहाँ पर भगवान राम से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो आप जान सकते हैं अगर आप यहाँ जाते हैं। और इसके अलावा गोविंदगढ़ किला जो है वो 17वीं शताब्दी में महाराजा गुर्जर सिंह भंगी ने इसका निर्माण करवाया था। ये किला बहुत ही फेमस और हेरिटेज है। यहाँ पर ऐतिहासिक चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही अगर आप ऐतिहासिक चीजों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं तो आपको ये जगह जरूर जानी देखनी चाहिए। और इसके अलावा क्या कुछ है यहाँ पर जरूर बताऊंगी इस गीत के बाद।
प्यार के गंगा जल से बलम के तन मन अपना ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। जहां भी जाएं सुनते रहें तस्वीर, क्योंकि ये ब्रेक बहुत छोटा है। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। Think IIT Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 26th November. Think IIT Think Vidya Mandir. अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। Think IIT Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 26th November. Think IIT Think Vidya Mandir. जिनकी कलम, जिनकी अदाकारी, जिनके सुर, जिनकी कल्पनाओं ने सजाई है आपकी दुनिया, उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक दास्तान है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आपके पांव देखे बहुत हसीन है। प्रेम नाम है मेरा। उन्हीं दास्तानों का दिलचस्प गुलदस्ता, कलाकार बेमिसाल, हर रोज दोपहर 12:10 पर सिर्फ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 MHz पर। Think IIT Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 26th November. Think IIT Think Vidya Mandir.
दिलवाली दिल्ली के युवाओं, अब वोटिंग में जोश दिखाओ। 18 के हो या होने वाले हो तो मतदाता सूची में नाम डलवाओ। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या 1 जनवरी 2024 तक 18 साल के होने वाले हैं तो वो सारे युवा दिल्ली में 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक चल रहे स्पेशल समरी रिविजन के दौरान वोटर हेल्पलाइन ऐप या voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 6 द्वारा अपना नाम वोटर्स लिस्ट में जुड़वाएं। और हां, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी फॉर्म 6 द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। हम दिव्यांगों के पास भी अब उड़ने को है पंख। वोट देने के लिए है सशक्त और सक्षम। आगे बढ़ते जाने का किया है प्रण। वोटिंग के लिए अब ना रुकेंगे हम। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिविजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। और हां, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 26th November. Think IIT, Think Vidya Mandir. चहु विकास की बयार बह रही गूंज उठी हर ओर, उत्तराखंड समृद्ध बन रहा बढ़ रहा प्रगति की ओर। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड साक्षी बन रहा है प्रदेश में बढ़ रहे निवेश, उद्योगों और रोजगार का। और आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। उत्तराखंड समृद्ध बन रहा बढ़ रहा प्रगति की ओर। अधिक जानकारी के लिए investuttarakhand.uk.gov.in/investorsummit पर लॉग ऑन करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और आज तस्वीर के इस सफर में हम आपको सैर करा रहे हैं कहां पर, पंजाब के अमृतसर में। जी हां, बाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर जिसे हम कहते हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर का एकमात्र सड़क सीमा रेखा है। और यहां पर सीमा चौकी के जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्री गेट है, उसे स्वर्ण जयंती गेट कहा जाता है। इस बॉर्डर पर होने वाली परेड गर्व का एहसास कराती है। अगर आप यहां पर जाते हैं, इस परेड में भारत और पाकिस्तान के जवान शामिल होते हैं, दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक सेरेमनी होती है और बड़ी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। तो अगर आपने कभी भी इसका लुत्फ नहीं उठाया है तो आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आप यहां जाते हैं तो इसे बिल्कुल मत मिस करिएगा। और इसके अलावा बीटिंग रिट्रीट भी यहां मेन आकर्षण है यहां का, जो कि जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है, इसे आपको जरूर करना चाहिए। और ये जो रिट्रीट है, ये काफी लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं इसे देने के लिए, देखने के लिए। गाने, नृत्य और जोरदार जयकारे के साथ यहां पर देशभक्ति की भावना आपको दिखाई देगी। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। इसके अलावा अगर मैं बात करूं युद्ध स्मारक और संग्रहालयों की, तो रास्ते में देखने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे शानदार जगहें मिल जाएंगी। पंजाब के समृद्ध इतिहास और विभिन्न युद्धों में भाग लेने वाले पंजाब के बहादुर दिलों को प्रदर्शित करता है। यहां पर आप बहुत सारी चीजें देख पाएंगे, अलग अलग तरह के चित्र देख पाएंगे, कला कृतियां, हथियार जो युद्ध में यूज किए गए थे, जो इस्तेमाल किए गए थे, वो सब यहां पर रखे हैं। शहीद सैनिकों की याद में बनी 45 मीटर लंबी स्टेनलेस स्टील की तलवार भी आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि इस युद्ध स्मारक में रखी हुई है। तो आपको ये युद्ध स्मारक भी जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा एक जगह है पुलकंजरी गांव, जो कि आपको देखना चाहिए। ये भी एक ऐतिहासिक गांव है। इसमें महाराणा महाराजा रणजीत सिंह के समय का एक युद्ध स्मारक और
विरासत स्थल यहां पर है। हरे भरे खेतों के पार गांव की सीमा पर लगी बाढ़ भी आप देख सकते हैं। पुलकंजरी का दौरा एक बहुत ही अलग अनुभव आपको देगा, तो आप इसे जरूर देखिएगा। इसके अलावा पंजाबी जो खाना है यहाँ का बहुत खास है, आपको अलग अलग रेस्टोरेंट्स में या फिर लोकल स्ट्रीट फूड में भी आपको ये चीजें देखने के लिए खाने के लिए मिल जाएंगी। अलग अलग तरह के बहुत सारे व्यंजन आपको यहाँ पर मिलेंगे नॉर्थ इंडियन, जो कि आप यहाँ खा सकते हैं। पंजाब का जो एक खास फूड होता है, सब कुछ आपको बताऊंगी लेकिन इस गीत के बाद बाकी सारी जानकारी।
दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक शहर अमृतसर यानी जिसे रामदासपुर के नाम से भी जानते हैं। लोकल भाषा में यहाँ पर जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें इसे अमृतसर भी कहा जाता है। लुधियाना के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसकी खासियत तो मैंने आपको बताई कि बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक तरन तारण जगह है, अमृतसर से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है ये तालाब है और ऐसी मान्यता है कि इसके पानी में बीमारियों को दूर करने की ताकत है। ये तालाब बीमारियों को अपने अंदर घोल लेता है और बीमार इंसान को एकदम ठीक कर देता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ के खान पान की बात करूं तो पंजाब का जो मक्की की रोटी, सरसों का साग, लस्सी तो प्रसिद्ध है ही। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए पंजाब स्वर्ग माना जाता है। दरबार साहब के दर्शन के बाद आप यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यंजन भी चख सकते हैं। इसके अलावा लोकल फूड का आप बहुत ज्यादा यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। आलू पराठे, कुलचे, छोले, आलू पूरी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा अमृतसर के अमृतसरी कुलचे बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे बेहतर जगह इसके लिए है यहाँ के जो रोड ढाबे हैं उन पर आप इन्हें चख सकते हैं। और इसके अलावा पापड़ी चाट, टिक्की, ब्रजवासी, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं यहाँ पर जो कि आपको मिल जाती हैं। यहाँ के पापड़ बहुत मशहूर हैं तो आपको वो जरूर खरीदने चाहिए अगर आप अपने घर के लिए कुछ लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तरह के व्यंजन आपको मिलेंगे पंजाब का स्वाद लिए हुए। अगर मैं बात करूं यहाँ के बाजारों की तो काफी अच्छे बाजार हैं यहाँ पर। देशी और विदेशी कपड़े आपको आराम से यहाँ पर मिल जाते हैं। काफी मशहूर हैं यहाँ के बाजार और यहाँ पर आप अलग अलग तरह के ज्वेलरीज खरीद सकते हैं, रसोई के सामान खरीद सकते हैं, अचार पापड़ तो खरीद ही सकते हैं, पंजाबी पहनावा खरीद सकते हैं यहाँ से। खासकर लड़कियों के लिए यहाँ पर पंजाबी सूट बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लोग खरीदते हैं उन्हें। पगड़ी, सलवार कमीज, रूमाल, पंजाबी जुतियां यहाँ पर बहुत मशहूर है। तो ये सब लेने के लिए आप दरबार साहब के बाहर जा सकते हैं जो कि स्वर्ण मंदिर के बाहर है। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर जिनसे आप ले सकते हैं। इसके अलावा कृपाण जो सिखों का बहुत पवित्र माना जाता है इसे भी लोग यहाँ से खरीदते हैं। सिख धर्म से जुड़ी बहुत सारी किताबें आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है यहाँ खरीदने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन आपको अमृतसर पहुंचना कैसे है ये भी जरूर बताऊंगी इस गीत के बाद। इतना ना उछालो शीशे दिल, इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा, शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा, शीशे दिल इतना ना उछालो। चलती झूमती ठंडी हवाएं कहती हैं, तड़पती मौजों की चंचल लहराएं कहती हैं, सवारों जुल्फ को काली घटाएं कहती हैं, ये भीगी भीगी सुहानी फजाएं कहती हैं, तुम्ही से आज तुम्हारी निगाहें कहती हैं, तुम्ही से आज तुम्हारी निगाहें कहती हैं, ओ शीशे दिल इतना ना कुर्बान इन नजारों पर, मचल के आ गई लहरें भी अब इशारों पर, अदा से तैरते फिरते हैं हम तो धारों पर, करें
दरिया का गहरा पानी है, न डूब जाओ कहीं बेखबर जवानी है, जवां बहार किनारों पे आनी जानी है, जरा ख्याल रहे दिल जब निशानी है, अभी तो प्यार की दुनिया तुम्हें बसानी है, अभी तो प्यार की दुनिया तुम्हें बसानी है, ओ शीशे दिल इतना ना उठा लो, दोस्तों अमृतसर सिर्फ भांगड़ा गिद्दा सरसों का साग मक्की की रोटी नहीं है, ये एक दृष्टिकोण जीवन का तरीका है। आधुनिक हवाओं के चलने के बावजूद शहर अभी भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को स्थापित किए हुए है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, आपको जरूर देखना चाहिए। अमृतसर उत्तर पश्चिमी भारत राज्य पंजाब में रावी नदी के किनारे पर स्थित है, और अगर मैं बात करूं स्वर्ण मंदिर की तो ये सरयू नदी यानी घाघरा नदी के किनारे पर है। और इसके अलावा यहां पर मैं अगर बताऊं आपको कि आपको पहुंचना कैसे है तो ये तो जरूर जानना होगा ना, तभी तो आप यहां पर पहुंचेंगे। दिल्ली से अगर आप यहां पर जाते हैं तो रेल, सड़क और वायु मार्ग तीनों रास्तों से आप जा सकते हैं। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र अमृतसर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर राजा सांसी में स्थित है, जिसे तय करने में 15 मिनट का समय लगता है। यह हवाई अड्डा दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप बाय एयर भी यहां पर जा सकते हैं। अगर आप बात करते हैं ट्रेन की तो आपको दिल्ली से शताब्दी और कई तरह की एक्सप्रेस या मेल ट्रेनों के जरिए आप यहां पर जा सकते हैं। अमृतसर रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत आसानी से दिल्ली के साथ और देश के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ा हुआ है और ज्यादा समय भी नहीं लगता। सड़क मार्ग की बात करें तो अपनी कार से या फिर आप किसी भी बस से आप यहां पर पहुंच सकते हैं। बीच में रास्ते में अगर आप थोड़ा बहुत रेस्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर रुकते हुए आप रास्तों का मजा लेते हुए यहां पर पहुंच सकते हैं। अलग अलग जगह से यहां सड़क के जरिए आप अमृतसर में आसानी से पहुंच सकते हैं, तो जब भी फुर्सत मिले आपके पास, जब भी 2 से 3 दिनों का वक्त हो, आप यहां पर जा सकते हैं। आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अच्छा मौसम इस वक्त यहां पर रहता है। अगर आप सर्दियों के मौसम में यहां पर जाते हैं तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा, हरियाली भी रहेगी, खूबसूरती भी होगी और बहुत कुछ ठंडे मौसम के साथ आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जब भी वक्त मिले आप यहां पर निकल चलिए। फिलहाल इस सफर में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या है। सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। छोटा सा घर बनाए
हाँ सही, कांटों से सजाएंगे बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन दोस्तों। इस सफर में तो